नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड, आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ स्ट्रेप्टोविट ई टैबलेट की। ये किसी भी तरह के ब्लीडिंग, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो किसी भी वजह से, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी चोट लगने की वजह से या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही हो, तो हर तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात करूंगा। इसमें क्या जो है मॉलिक्यूल पाया जाता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, किन किन लोगों को इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए और किस किस काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्ट्रेप्टोविट का इंजेक्शन भी आता है और इसकी टैबलेट भी आती है। तो आज मैं यहाँ पर स्ट्रेप्टोविट ई टैबलेट की बात करने जा रहा हूँ। स्ट्रेप्टोविट ई टैबलेट में जो मॉलिक्यूल पाया जाता है उसको बोलते हैं एटामिसिलेट, और ये 250 mg में आता है और 500 mg में आता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो यानी इसके काम करने का तरीका क्या है, तो जब भी किसी को कहीं पर चोट लग जाती है, तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही हो या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो रही हो, खून चाहे इंटरनल बह रहा हो चाहे एक्सटर्नल बह रहा हो, इसके काम करने का तरीका एक ही होता है। ये जो है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एंटी हिमरेजिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या करता है, जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर प्लेटलेट्स के अडेवनेस को बढ़ाता है। यानी जहाँ पर कभी भी चोट लगती है तो वहाँ पर जाकर प्लेटलेट्स इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा होकर जो है वहाँ पर ब्लड का क्लॉट बना देते हैं, यानी थक्का बना देते हैं, जिससे व्यक्ति का जो है जो खून बह रहा होता है वो बंद हो जाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स आपस में चिपकते हैं उसकी प्रोसेस को ये तेज़ कर देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। स्ट्रेप्टोविट ई टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो कभी भी जब अनचाही प्रेगनेंसी होती है तो उसमें महिलाएँ जो है एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करती हैं। एबॉर्शन किट में जैसे अनवांटेड किड है तो उसमें जो होता है उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कभी किसी पेशेंट की जो है जब सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद जो है उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी जो रक्त बह रहा है उसके बॉडी से, उसको रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है, उसमें खूनी बवासीर है और ज़्यादा खून बह रहा है उसकी बॉडी से, तो वहाँ पर भी जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कभी भी चोट लग जाए किसी को और उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसकी बॉडी से खून हो रहा है बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आपके नाक से खून आ जाता है चोट लगने से या खुद से ही, तो वहाँ पर भी जो है ब्लड को रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दांत से ब्लीडिंग आ रही है, दांत से खून बह रहा है चोट लग जाने से या किसी और वजह से, तो भी ब्लड को रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी खांसी के साथ जो है ब्लड आ जाता है, तो उस स्टेज में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर किसी को खांसी के साथ बार बार ब्लड आ रहा है तो ये एक गंभीर समस्या है, इसके लिए आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ये केवल ब्लड को रोकने का है, बल्कि ब्लड में खांसी आ रही है तो हो सकता हो वो किसी और भी कारण से आ रही हो, तो इस केस में आप जो है डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। प्री मेच्योर बर्थ के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्री मेच्योर बर्थ का मतलब है कि कोई भी बच्चा जो है समय से पहले जो है जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो मदर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सीडेंट के कारण अगर बाहर तो जो है रक्त का स्राव यानी खून नहीं बह रहा है लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट का असर लगभग कितनी देर बाद देखने को मिलता है, तो इस टैबलेट को लेने के बाद इसका असर 3 से 4 घंटे बाद जो है अच्छी तरह से दिखने लगता है। अब अगर डोज़ की बात करें तो इसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोज होती है, पेशेंट के एज, पेशेंट की सीवियरिटी यानी गंभीरता को देखते हुए और पेशेंट का वेट देखते हुए हर एक केस में डोज अलग अलग होती है। एक जनरल डोज मैं यहाँ पर बता देता हूँ अलग अलग केस में। पाइल्स के केस में जैसे इसका बीडी डोज में इस्तेमाल किया जाता है 500 mg टैबलेट का,
और लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग पहले ही बंद हो जाती है तो इसका आप जो है इसको आप तुरंत स्टॉप कर दीजिए। उसके अलावा जब चोट लगने का केस होता है तो उसमें CBRT पे डिपेंड करता है कि इनको इनकी डोज कितने दिन तक चलेगी। दांत से ब्लड आने के केस में 250 mg का BD इस्तेमाल किया जाता है और ये लगभग जो है 1 हफ्ते तक किया जाता है। अगर ब्लीडिंग पहले ही बंद हो जाती है तो इसके इस्तेमाल को बंद कर दिया जाता है। खांसी के साथ ब्लड आ रहा है तो इसमें कोई भी डोज आप खुद से या फिर मैं जनरल यहाँ पर नहीं बता सकता, आप डॉक्टर को दिखा के ही डोज डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी महिला ने एबॉर्शन किट का इस्तेमाल किया है और उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर ये 500 mg BD डोज में 5 से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी ड्यूरेशन बढ़ सकती है अगर ब्लीडिंग की समस्या पूरी तरह से अगर बंद नहीं हो रही है। इसका साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं तो इसके बहुत सारे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी को इससे एलर्जी हो सकती है, किसी को हो सकता हो इससे स्किन पे रैशेज आ जाएं, किसी या फिर किसी को हेडेक की भी समस्या हो सकती है या फिर डायरिया की समस्या हो सकती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको इस टैबलेट के लेने के बाद आती है तो आप इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। अब किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो इसका इस्तेमाल ना करे, और लैक्टेशन यानी जब कोई मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो मदर भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी, अगर कुछ सवाल आपको इससे जुड़े हुए और पूछने हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।